ਤੇ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਝੜ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਨਾ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ जिला जलंधर के करतारपुर के करीब 18 मीटर डूंगे बोर के एक इंजीनियर फस गया है जो कि हुण बोर की गल की जाए तो 60 फुट डूंगा बोर दसिया जा रहा जो इंजीनियर हेठा डिगा तो जानकारी मिलते सार ही प्रशासनिक अधिकारी मौके के उत्ते पहुंचे तो उसनू कढ़न का काम लगातार शुरू किया गया पर रात के 9 बजे तो सवेर 10:30 बजे का समा हो चुका है हाले तक जो है सफलता हासिल इस काम के नहीं हुई लगातार कोशिशां जारी ने तस्वीर के भी देख सकते हो कि किस तरीके जिथे काम चल रहा है इतने उसनू कढ़न दी कोशिशां लगातार की जा रही ने जम्मू कटड़ा नैशनल हाईवे काम के चल रहे काम दौरान ये हादसा वापर है बहुत सारे इंजीनियर्स इस स्थान के उत्ते काम कर रहे थे जिस तों बाद जो काम के लिए गया तो सेफ्टी बेल्ट ना बनने के कारण हेठा टोए दे विच जा डिगा हालांकि जेसीबी की मदद के नाल मिट्टी पुट्टी जा रही है कोशिशां कीतियां जा रही ने पर ज़्यादा डूंगा बोर होने के कारण कोशिशां हाले तक असफल हो रही ने जलंधर च कपूरथला रोड के उत्ते करतारपुर तो कपूरथला रोड से दिल्ली कटड़ा हाईवे के निर्माण कार्य का काम लगातार चल रहा है जिथे कि मजदूरों के वलों इंजीनियर्स के वलों काम किया जा रहा है तो उत्थे ही काम करते वक्त यह हादसा वापरिया 60 फुट डूंगा टोया सी जिस दे विच सुरेश कुमार जा डिगा जानकारी मुताबिक सुरेश कुमार इंजीनियर है जो कि हरियाणा का रहन वाला है काम के सिलसिले के इतने काम कर रहा है दस दिए कि बोर वाली मशीन के कुछ खराबी से जिसनों ठीक करन दे लई सेफ्टी बैल्ट ना लगाने के कारण हादसा वापर गया वो हेठा डिग गया ठीक करन दे लई उपर चढ़िया सी पर हादसा वापरिया ते वो टोए दे विच जा डिग सुनील महिंद्रू इस खबर से वधेरी जानकारी दे लई फोन लाइन तो जुड़ गए हैं जी सुनील हुण तक दी की अपडेट इस मामले सामने आई है ਜਿਮਾਨੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ नहीं हिमानी हजे तक किसी प्रकार के कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं सुरेश के वालों क्योंकि काफी गहरे खाई दे जिन्हों के खड्डा ही है जिन्हों के इन्होंने बोर के वास्ते बनाया सीगा उसके सुरेश का भी जो सिस्टम दसया जा रहा है हजे तक लेकिन किसी प्रकार का कोई संपर्क ऐसा नहीं हो पा रहा उसके हिमानी जी की कोशिशां कह सकते हैं कीतियां जा रही ने कि जल्द तो जल्द उस खड्डे के बाहर कढ़िया जाए हिमानी देखा जाए तो कल रात का मामला है कल रात तो ही कोशिशां जारी है इन्हां दी जेसीबी मशीनां लगा के बोर वाली मशीनां लगा के क्योंकि इन्हां कोलों टैक्नीकल जिहड़े काफी अच्छे जिहड़े औजार ने जिहड़े कि इस चीज दे विचों नूं बाहर कढ़न दे वास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं काफी मशीनां ने लेकिन हजे तक जिहड़ी कि नाकामी हाथ लगती नजर आ रही है हिमानी जी ते प्रशासनिक अधिकारी तो इलावा की कोई सियासी आगू इस मौके दे उत्ते पहुंचा है सुनील हिमानी हजे तक लेकिन कोई सियासी आगू तो नहीं पहुंचे है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लोकल सारे इतने पहुंच चुके हैं लेकिन उन्होंने भी यही गल कहना है कि भाई जिहड़े इन्हां दा अपना सिस्टम है जिहदे विच कि इस नूं इह जिद्दां भी मशक्कत करके इस नूं बाहर निकलिया जा सकदा हिमानी कह सकते हैं कि हाले कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना समा इस रेस्क्यू ऑपरेशन दे विच लगेगा
नहीं हिमानी हजे इस गल तक बिल्कुल कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि काफी गहराई तक है और मिट्टी ज्यादा होने करके ये सारी जी मुश्किल जी आ रही है और कदों कितना समा होर लग जाएगा अजे ये कहना मुश्किल है। जी जी सुनील जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।